रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुए आज 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और इस फिल्म ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। याद नहीं आता कि लास्ट टाइम किस हिंदी फिल्म के लिए इतनी ज्यादा चर्चा हुई हो। घर, ऑफिस, सोशल मीडिया, यहां तक कि पार्लियामेंट में भी इस फिल्म के ऊपर बहस हो चुकी है, जहां देखो फिल्म के फैंस और हेटर्स भिड़े पड़े हैं। जिन लोगों को फिल्म पसंद आ रही है उनके हिसाब से भारत में आज तक ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्हें मूवी के डायलॉग्स और सीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। वेल, फिल्म पसंद आई हो या फिर ना आई हो, ये अपना अपना सबका फिल्म देखने का नजरिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म एनिमल से जुड़ी कुछ सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिल्म एनिमल में हमें रणवीर कपूर का ऐसा वॉयलेंट एक्शन लुक देखने को मिला जिस लुक में शायद पहले देखा ही नहीं होगा। यह अलग बात है कि एनिमल फिल्म किसी को पसंद आई हो या फिर ना आई हो, लेकिन रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस सभी को पसंद आई होगी। जब फिल्म स्क्रिप्टिंग स्टेज पर थी तो इसका टाइटल डेविल रखा गया था, लेकिन काफी डिस्कशन के बाद इसका टाइटल एनिमल को फाइनलाइज किया गया। शुरुआत में परिणीति चोपड़ा को रश्मिका मंदाना यानी कि गीतांजलि के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था और उन्हें ये कैरेक्टर पसंद भी आया था, लेकिन डेट्स प्रॉब्लम की वजह से इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इस फिल्म का एक सीन कोरियन मूवी से लिया गया है। इस फिल्म का फेमस सीन जहां रणवीर कपूर गैलरी में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सीन 2003 में आया हुआ कोरियन मूवी ओल्ड बॉयज से लिया गया है। रणवीर कपूर नहीं थे इस फिल्म के पहली पसंद, जी हां, बल्कि इनकी जगह साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को अप्रोच किया गया था। उस समय महेश बाबू ने इसकी पूरी कहानी सुनी जो उन्हें बेहद पसंद आई, लेकिन महेश बाबू को लगा कि ये फिल्म और इसमें रखा गया उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही डार्क है, जो शायद महेश बाबू के ऑडियंस के हिसाब से नहीं है और उनके पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। इस वजह से कहानी पसंद आने के बावजूद भी महेश बाबू ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इस फिल्म के कुछ सीन्स सैफ अली खान के पटौदी पैलेस में फिल्माए गए हैं। वैसे सैफ अली खान इस पैलेस में शूट करने का परमिशन किसी को नहीं देते हैं, लेकिन रणबीर कपूर के रिक्वेस्ट पर सैफ मान गए थे। इस फिल्म की कहानी दूसरी फिल्म की अपेक्षा काफी लंबी है। जहां आज कल के फिल्म की कहानी 2 घंटे की होती है, तो वहीं यह फिल्म 3 घंटे की मिनट की है। इसकी कहानी यलगार फिल्म से इंस्पायर्ड है। भले ही हम में से कई लोगों को रणवीर कपूर और अनिल कपूर की बॉन्डिंग यूनिक लग रही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के कुछ सीन्स संजय दत्त और कबीर बेदी की फिल्म यलगार में रह चुकी हैं? इस फिल्म में बोल्ड और इंटीमेट देने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आया। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए सारा अली खान ने भी ऑडिशन दिया था, और जब फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने सारा अली खान का ऑडिशन देखा तो उन्हें लगा कि वह इस रोल के लिए उतनी ज्यादा बोल्ड नहीं लग रही हैं, और जब उन्होंने तृप्ति डिमरी का ऑडिशन देखा तो उन्हें काफी बोल्ड लगा। तब संदीप रेड्डी ने तुरंत तृप्ति डिमरी को इस रोल के लिए साइन कर लिया। तृप्ति डिमरी को इससे पहले आपने पोस्टर बॉयज, लैला मजनू, बुलबुल और काला जैसे फिल्मों में देखा होगा, जिसमें तृप्ति डिमरी के बोल्ड लुक के साथ साथ उनकी बेहतरीन एक्टिंग भी देखने को मिलती है। इस फिल्म में रणवीर कपूर के कुल 11 कजिन्स देखने को मिलते हैं, जो ब्लैक सूट पहने, पगड़ी बांधे और हाथ में गन लिए हुए बेहतरीन लगते हैं। लेकिन इन 11 लोगों को साइन करने में लगभग 5 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था, और इसमें नजर आने वाले इन सारे लोगों को बिल्कुल चुन चुनकर पंजाब, राजस्थान और मुंबई से लाया गया था। फिल्म एनिमल की शूटिंग 120 दिनों में कंप्लीट हुई और लगभग 4.5 महीने में इसको एडिट किया गया था, जहां फिल्म के राइटर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने ही एडिट किया था। तो दोस्तों, एनिमल फिल्म से जुड़ी कुछ सच्चाई आपके वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, और क्या आपने एनिमल देखी है ये भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें।